सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ईंट से। त्रिपिटक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बौद्धों का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है कुंडलग्राम। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? गंधार में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, कश्मीर में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है पाटलिपुत्र। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबांगन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है मोहनजोदड़ो। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है 4। नंद वंश की संस्थापक कौन है? महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद, नागार्जुन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है महापद्मनंद। बोधगया स्थित है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बिहार। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है नालंदा। निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कनौ। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है मौर्य। आज का एपिसोड कैसा रहा? क्या इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का लाना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे।